नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। दिल्ली प्रदेश संगठन में नए पदाधिकारियों को नियुक्त कर आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के साथ 2025 दिल्ली विधानसभा में पार्टी युवा और अनुभवी पदाधिकारियों के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और इसके लिए पार्टी ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय ने इन पदाधिकारियों की सूची जारी कर इस बात की जानकारी दी, जिसमें प्रदेश संगठन सचिव और अलग अलग जिलों के जिला अध्यक्ष का नाम भी शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संगठन में प्रदेश संगठन सचिव और जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा की गई। दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव में गुणेश अग्रवाल, प्रदीप लोहान, अजय राजपूत, नरेश अग्रवाल आदि का नाम शामिल है। नियुक्त हुए पदाधिकारियों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। देश की राजधानी दिल्ली में पार्टी विधानसभा में लगातार 3 बार सरकार बनाने में सफलता प्राप्त कर चुकी है। इसके अलावा संवैधानिक व्यवस्था में सबसे निचली इकाई नगर निगम में भी इस बार पार्टी का दबदबा रहा। बहुमत हासिल करते हुए आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों के मजबूत किले को ध्वस्त कर MCD में भी अपनी सत्ता हासिल की। दिल्ली पंजाब के बाद देश के दूसरे राज्यों के विधानसभा और निकाय चुनाव में पार्टी शानदार प्रदर्शन के साथ साथ न केवल राष्ट्रीय पार्टी बनने का सफर तय कर चुकी है, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भी विपक्षी दलों में सबसे प्रमुख दल के रूप में उभर रही है। दिल्ली संगठन में ये बदलाव भी आगामी चुनाव को देखते हुए किए गए हैं। देखना होगा कि नियुक्त किए गए ये पदाधिकारी पार्टी के भरोसे पर कितने खरे उतरते हैं।